क्या तुम्हें पता है कि CS रैंक में ऐसे हाई डैमेज कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जिसे यूज करके तुम सभी लोग अकेले 1v4 मारो। 1v4 मारना बहुत इजी हो जाता अगर तुम सभी लोग ये तीन स्किल कॉम्बिनेशन लगा लोगे जो कि आने वाले वीडियो में बताऊंगा। एक चीज और, मैं ये वीडियो बहुत जल्दी डिलीट कर दूंगा बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मेरे सब्सक्राइबर्स के अलावा कोई भी ये वीडियो देखे। दूसरी बात, मैं हूँ एक ग्रैंड मास्टर प्लेयर, बहुत बार जा चुका हूँ, साथ में अभी के टाइम में मेरी स्ट्रीक सबसे हाईएस्ट है जैसे कि तुम देख सकते हो, मेरे ग्रुप के बंदों की भी स्ट्रीक तुम देख सकते हो। तो अब तुम सभी लोग खुद सोच लो कि आज की वीडियो में जो भी मैं तुम्हें कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ कितना सच होने वाला है बिकॉज मैं एक भी गेम नहीं हारता। मेरी कई आइडियो में 200 से ऊपर की स्ट्रीक है, मेरे दोस्तों की 200 के ऊपर की स्ट्रीक है। तो हम कुछ ऐसा जानते हैं जो तुम सभी लोग नहीं जानते। अगर तुमको जानना है तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। और हाँ, मैं एक चीज और बोल दूं, बहुत सारे बंदे लिखते हैं 100% वर्किंग ट्रे, रीजन सिंपल है क्योंकि मैं सब कुछ सच बोलता हूँ, मानना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन नंबर 1, सबसे पहले तत्सुया लगाओ, उसके बाद लगाओ डीवी। तत्सुया रश करने में हेल्प करेगा, डीवी गन को रिकॉइल नहीं करने देगा जिससे डैमेज ज्यादा लगेगा, और काइरोस वेस्ट जल्दी तोड़ेगा जैसी चार्ज होल हो जाएगा। और इसी के साथ अगर तुम सभी लोग लास्ट में लूना लगा लेते हो तो रेट ऑफ फायर इतना ज्यादा मिल जाएगा कि डैमेज एकदम बहुत ज्यादा जाएगा सामने वालों पे। अब तुम सभी लोग अगर यहाँ पे नहीं समझे, डोंट वरी, क्लिप के थ्रू समझाता हूँ। देखो, इस वाले राउंड में मेरे को 1v4 मारना और ये कॉम्बिनेशन बहुत हाई डैमेज देने वाला है, तो डैमेज सामने वाले पे बहुत ज्यादा आएगा। तो अब मेरे पास तत्सुया है, अब मैं यहाँ सामने एक एनिमी को देखता हूँ, अचानक से रश करूंगा। अब मैं यहाँ यूज करूंगा तत्सुया का ताकि अचानक से जाके ज्यादा डैमेज दे पाऊँ। ऊपर से डीवी भी है क्योंकि गाइस रिकॉइल होगी नहीं तो हेडशॉट लगेगा, और रेट ऑफ फायर 8% मेरे को एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी ईवो की तरह मेरी गन चल रही है। बहुत ज्यादा डैमेज देने के बाद इसको झटके से मैंने मार दिया, इसको पता भी था लेकिन फिर भी मैंने इसको मार दिया। अब मैंने जिसको मारा ना उसका टीममेट भी आसपास ही था कहीं पे, मेरे पास एक्स्ट्रा रेट ऑफ फायर बिकॉज ऑफ लूना, ऊपर से रिकॉइल होगी नहीं, डीबी कैरेक्टर है मेरे पास और काइरोस एक्टिव है तो डैमेज ज्यादा जाएगा। तो ये देखो हेडशॉट भी लगा और क्या मिंट में नॉक हुआ। तो तुम क्लच नहीं मार सकते इस कॉम्बिनेशन से, बताओ ये कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक नहीं है? दो बंदे तो बाकी है, उनको तो मैं ढूंढ के भी कभी भी मार दूंगा। लेकिन एक बात कहो, मेरे पास यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल देख सकते हो तत्सुया लगाया, अभी भी काइरोस एक्टिव है, काइरोस बहुत लेट जाता है और इसी के साथ इसको भी जाके मैंने मार दिया। इतना हाई डैमेज कॉम्बिनेशन है कि तुम सभी लोग यूज करके 1v4 इजीली निकाल सकते हो। वेल गाइस, ये कॉम्बिनेशन से तो मैं ये वाला राउंड आसानी से निकाल लेता हूं, लास्ट वाला एनिमी सामने होता है हेडशॉट मार के मार देता हूं इजी रेट ऑफ फायर के साथ। लेकिन ये कॉम्बिनेशन का फुल पोटेंशियल इस वाले क्लिप में मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अब मैं यहाँ पे ना फंसी हुई बाजी कैसे निकालता हूँ, ये कॉम्बिनेशन क्यों इतना खतरनाक है। काइरोस एक्टिव है, साथ में लूना का 8% रेट ऑफ फायर है, तो एक हेडशॉट लग ही गया बिकॉज लग जाएगा, रेट ऑफ फायर इतना आता ही है। ऊपर से काइरोस को डैमेज ज्यादा जाएगा और रिकॉइल होगी नहीं बिकॉज तुम्हारे पास क्या है, डीवी कैरेक्टर। तत्सुया से पीछे भागा, ऊपर से एनिमी मेरे ऊपर रश कर रहे होते, मार रहे होते बहुत ज्यादा, मैं पीछे जाता हूं, एक एनिमी आता है, इसको मैं बॉडी बॉडी से मार दूंगा क्योंकि गाइस रेट ऑफ फायर है और रिकॉइल होगी नहीं। अभी यहां पे गाइस इसको मैंने क्लियर कर दिया जल्दी से, लेकिन गेम यहां पे खत्म नहीं होता है। जैसे मैंने इसको क्लियर किया ना, मेरे सारे टीममेट नॉक, अब 1v3 हो चुका था, एक ऊपर से कवर दे रहा था, दो नीचे थे। तो ऊपर वाले को देखो इतना हाई डैमेज है इस कॉम्बिनेशन की वजह से, इतना ज्यादा डैमेज दिया कि क्या बताओ। अब इधर से एक और एनिमी आता है, अब इसको भी मैं जल्दी से कैसे मारूंगा, देखो बहुत ज्यादा डैमेज होता है, वॉल लगा लेता है, लेकिन अब मुझे पता था मैं यहाँ पे मार सकता हूं। अब वो जैसी नॉक होता है ऊपर वाला जिसको कि मैंने डैमेज देके किया था, इसको भी मार के करता हूं नॉक। अब एक और होता है बट वो रिवाइव पता नहीं कैसे हो जाता है, क्या था डिमित्री, इसको भी मैंने नॉक कर दिया, दोनों नॉक हो चुके थे। अब इसको मैं क्लियर करता हूं इससे पहले कि गाइस ये रिवाइव हो जाए, पता नहीं किस हिसाब से रिवाइव हो रहे थे। अब एक एनिमी ऊपर और था जिसको मैंने पहले नॉक किया था, इसको भी मार के खत्म कर देता हूं। तो ये कॉम्बिनेशन इतना खतरनाक है हाई डैमेज के मामले में, अब मैं क्या बताऊं। करो भाई जल्दी कॉम्बिनेशन ट्राई करो, मैं करके इतनी स्ट्रीक बना गया। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। कॉम्बिनेशन नंबर 2, ये वाले कॉम्बिनेशन में मैं जो है ना इसको थोड़ा और अच्छा बनाऊंगा। कैसे, अगर तुम सभी लोग वुकोंग यूज कर लो और बस एक कैरेक्टर चेंज करना है, वुल्फरा लगा देना है। देखो वुल्फरा का एबिलिटी है हेडशॉट पे ज्यादा डैमेज देना और तुम्हें हेडशॉट पे कम डैमेज आएगा। बाकी लूना का बता रखा है रेट ऑफ फायर गन में बहुत ज्यादा मिलेगा और डीबी से रिकॉइल होगा नहीं। और लास्ट में लगा लो वुकोंग जिससे कि तुम इजीली और अच्छे से मार पाओगे। पहला राउंड तो इसमें इतना खतरनाक खेलोगे ना क्या बताऊं मैं। फॉर एग्जांपल मैं इस क्लिप से समझाता हूं तुम सभी लोगों को। पहला राउंड है, ऑब्वियसली रेट ऑफ फायर मेरे पास है तो मैं जेवनेट से सामने लोगों को जल्दी मारूंगा, रिकॉइल होगी नहीं। तो यहां पे तुम देख सकते हो ये बंदा भाग रहा है और एकदम गोली इतनी सीधी जा रही है कि एक हेडशॉट लग गया और वो नॉक हो ही जाएगा भी थोड़ी देर में। नॉक हो गया, सामने वाले को मैंने थोड़ा सा डैमेज दे दिया, अब मैं वुकोंग बन के आगे जाऊंगा। वुकोंग का यही फायदा इस कॉम्बिनेशन में, आगे जाके हाई डैमेज स्किल है तो डेफिनेटली सामने वाले पर डैमेज ज्यादा लगेगा बिकॉज रिकॉइल हो नहीं रही रेट ऑफ फायर। सामने तो बंदे है, अब मैं इसको मार दूंगा जल्दी से, दोनों नॉक हो गए पता भी नहीं चला। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात पता है क्या, अब वुल्फरा तुम्हारा एक्टिव हो जाएगा जैसे तुम दो नॉक निकाल लोगे, लेकिन अभी तो एक्टिव नहीं हुआ। और यहाँ पे तुम देख सकते हो मैं कैसे यूज करके इसको, ध्यान से देखो, वुकोंग बन के आराम से दोनों को मार दूंगा, आराम से हाई डैमेज के साथ देख सकते हो यहाँ पे, और हेडशॉट भी इसको ज्यादा लग रहा है और वो मर गया। तो ये बहुत बेसिक था मैंने जो बताया तुम सभी लोगों को, दूसरा कॉम्बिनेशन तुम ट्राई सकते हो। लेकिन तीसरा जो कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूँ ये थोड़ा हटके और हार्ड होने वाला है, और जो भी लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो प्लीज सब्सक्राइब कर लो क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले लगाओ वुल्फरा, सामने वाले को हेडशॉट ज्यादा मारोगे डैमेज के मामले में और तुम्हें कम डैमेज आएगा। काइरोस वेस्ट बहुत जल्दी तोड़ोगे सामने वालों की, बहुत जल्दी, ये मैंने बता दिया दो कॉम्बिनेशन में पिछले। उसके बाद दशा लगा लो, दशा की क्या एबिलिटी है तुम यहाँ ध्यान से सीखो। देखो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि तुम्हें पोजीशन जल्दी मिल जाता है तो वहाँ दशा काम बहुत आती है। इसका काम है जैसे एक नॉक लोगे 12% रेट ऑफ फायर बढ़ जाएगा। एरो पे देखते रहो ध्यान से,
पहले को नॉक लिया, एक्टिव हो चुकी है दशा। रेट ऑफ फायर इतना आ चुका है कि अब तुम बॉडी बॉडी मार के इतना ज्यादा रेट ऑफ फायर बढ़ जाएगा कि तुम्हारा जो है ना डैमेज बहुत ज्यादा जाएगा, तुम मिनटों में बंदों को नॉक लोगे। और काइरस भी एक्टिव हो गया यहाँ पे देख सकते हो, और क्या मिनटों में मार के खत्म कर दिया। तो दशा की ये एबिलिटी है जो कि बहुत पावरफुल है। और साथ में लास्ट में लगा लो जेन जो कि 60 HP तुम्हें शील्ड पॉइंट पे देगी। फॉर एग्जांपल मैं तुमको अभी दिखाता हूँ एक और क्लिप से समझा के अच्छे से। तो इस वाले क्लिप में मैं 1v4 मारूंगा। सबसे अच्छी बात यहाँ पे कि काइरस एक्टिव होने वाला, बिकॉज ईपी फुल होने वाली, काइरस एक्टिव होता है। तो यहाँ पे पहले बंदे को नॉक लेता हूँ। जैसे नॉक लिया मैंने यहाँ पे एक्टिव कर ली अपनी जेनी कैरेक्टर 60 HP के लिए, क्योंकि पीछे से कोई भी आएगा मारेगा। लेकिन यहाँ मेरी दशा एक्टिव हो चुकी थी तो 12% रेट ऑफ फायर एक्स्ट्रा मेरे को आना ही था। तो एक एनिमी को मैं देखो हेडशॉट मार के कैसे मारूंगा, लेकिन यहाँ पे मेरे को 2-3 बंदे मारे तभी मेरा डैमेज इतना ज्यादा हो चुका है। लेकिन यहाँ पे देखो जैसे तुम एक नॉक लोगे जेन वापस से एक्टिव हो गया, 60 HP वापस से रिकवर होगी, चाहे कितना भी कोई डैमेज दे दे। एक एनिमी को यहाँ पे मारता हूँ लेकिन ये देखो रिलोड आ जाता है, और किसी तरीके से वॉल लगाते हैं, वॉल के आर पर आता है लेकिन मैं बच जाता हूँ। यहाँ पे दशा अभी भी एक्टिव है, अब मैं इसको जल्दी से मारूंगा, बॉडी बॉडी में मार दूंगा। बिल्कुल इतनी जल्दी गाइज लगता है, इतना ज्यादा डैमेज लगता है। हाई डैमेज कॉम्बिनेशन ऐसी नहीं बनाता, बहुत दिमाग लगा के बनाता हूँ। अब लास्ट एनिमी बचा रहता है, दशा अभी भी एक्टिव है, अभी भी एक्टिव, तो रेट ऑफ फायर ज्यादा, बॉडी बॉडी में इसको मैं मार दूंगा आसानी से। लेकिन यहाँ देखो हेडशॉट से मारूंगा, क्योंकि हेडशॉट भी लगाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं दशा की वजह से, रेट ऑफ फायर है ना। तो ये कॉम्बिनेशन इतना ओवर पावर है, जैसे कि तुम देख सकते हो कि तुमने रेट ऑफ फायर के साथ इस कॉम्बिनेशन में सभी को मार दिया। अगर तुम सभी लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो एक बार फिर से कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो, सबसे आगे रहोगे 2 कदम। अपने दोस्तों से प्रो बनना है ना, मेरा चैनल देखो बन जाओगे 100%। और मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड में थोड़ा दिखाता हूँ इस क्लिप को, मैंने कैसे 1v3 मारा, 1v4 जो भी था, बहुत इजीली लग जाता है अगर तुम कॉम्बिनेशन अच्छा लगा लोगे ना। बस मेरा चैनल देखते रहो, मैं तुमको ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन बताऊंगा तुम देख के हैरान हो जाओगे। बाय द वे एक चीज और, अगर तुम सभी लोगों को टी शर्ट खरीदनी है, ये मैं बहुत अलग बात कर रहा हूँ, अगर तुम में से बहुत सारे लोग टी शर्ट खरीदना चाहते हैं तो मैं बहुत ही जल्द अपने टी शर्ट बना के निकालने वाला हूँ, एकदम बहुत अच्छे से टी शर्ट जो कि आने वाले फ्यूचर में आएंगे। तो तुम सभी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और ये मेरी गिल्ड UID है, जिन लोगों को भी मेरे गिल्ड में आना है वो भी आ सकते हो, वहाँ पे भी मिलकर बात कर सकते हो। और UID तो मैंने दे रखी है अपने डिस्क्रिप्शन में, तो मुझे कॉन्टेक्ट करो गिल्ड UID के थ्रू, या फिर मेरे UID पर रिक्वेस्ट भेज के, मैं रिक्वेस्ट जरूर लूंगा। और तुम सभी लोगों को कॉम्बिनेशन अभी भी ठीक नहीं लगे तो कॉम्बिनेशन लिख दो, कॉमेंट कर दो, मैं तुम्हारे लिए पर्सनली कॉमेंट करके कॉम्बिनेशन बताऊंगा। जैसा भी रशर कॉम्बिनेशन चाहिए, कैंपर कॉम्बिनेशन चाहिए, लिखो कॉम्बिनेशन। और इन दोनों में से कोई भी वीडियो तुम देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, बाय।